हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आ गया है संडे और संडे होता है फंडे। आज के दिन हम करते हैं कमेंट्स वीडियो। जो भी हमारे व्यूअर्स कुछ कमेंट करते हैं उनका हम कुछ रिप्लाई देते हैं। तो क्या कुछ कमेंट है, कितनी मेरी पेमेंट है, जो भी मैं अर्निंग करता हूँ ड्राइविंग से, वो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो का एंड तक देखते रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबाएं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला कमेंट है वो है हमारा इकबाल सिंह की तरफ से, और ये कहते हैं कि भाई जब गाड़ी का सेंटर बुल्ट टूट जाता है तो फिर क्या होता है। देखिए, अगर जिसको भी नहीं पता है तो इस बात को ध्यान से सुनिए और थोड़ा सा कंफर्टेबल होके थोड़ा सा सुनिए इसको ध्यान पूर्वक, क्योंकि बहुत ही काम आने वाली बात यह है कि जब भी आपका एडजस्टिंग नट वो सॉरी जब भी आपका सेंटर नट टूटता है तो तब आपकी गाड़ी का जो चेचिस है आगे का वो टेढ़ा हो जाता है। तो ज्यादातर आप देखते हैं रोडवेज बस, जब भी आप देखते हैं तो वो कुछ टेढ़ी टेढ़ी सी बस आपको दिखने को लगती है। तो ज्यादातर उन बसों का जो है सेंटर बोल्ट टूटा हुआ हुआ है। जब भी आपकी गाड़ी का सेंटर बोल्ट टूटता है तो वो गाड़ी एकदम से टेढ़ी हो जाती है, तिरछी होने लगती है, और थोड़ी सी ज्यादा नहीं आपको थोड़ा सा अंतर उनमें देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई हवा का टायर कितने टाइम पे बदलता है और एयर टैंक जो है वो रोजाना भरने पड़ते हैं या फिर कभी कभी भरने पड़ते हैं। तो मैं आपको बताऊं, उनको रोजाना नहीं भरा जाता है, टाइम पे उनको भरा जाता है। लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं भरवाए हैं, जब से गाड़ी मैंने ली है तो जब से चला रहा हूँ तब से मैंने नहीं भरवाए हैं, तो इनको रोजाना नहीं भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे श्री साल मार्गले जी का, सीट रस्सी कैसे बांधे, तो हमें इसकी वीडियो भी बना कर दीजिए। तो जो भी सीट मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी सीट के बारे में, तो उसकी रस्सी के बांधने में मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसको इनको जो है मैं जरूर बताऊंगा कि सीट की रस्सी कैसे बांधते हैं। नेक्स्ट वीडियो या फिर जब भी टाइम मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुश का, हैवी लाइसेंस कितने दिन लगते हैं। तो भाई मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखी है हैवी लाइसेंस कैसे बनवाए या फिर कितने दिन में हैवी लाइसेंस आता है। तो आप ऊपर आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको फुल डिटेल मिल जाएगी लाइसेंस कैसे बनवाते हैं, कितने दिन लगते हैं, सब कुछ उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विश्वकर्मा जी का, गाड़ी का फ्रंट साइड का कैसे पता करें और सुर की आवाज क्यों आती है जब गाड़ी को रोकते हैं। तो भाई मैंने विश्वकर्मा जी, आपने वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्रंट साइड की भी मैंने वीडियो बना के रखी है। और गाड़ी की सुरसुर की आवाज इसलिए आती है कि जब हम गाड़ी को रोकते हैं दूर से चला के एकदम से, जब उसके हैंड ब्रेक गिरते हैं तो एकदम सीटी की सी आवाज उसमें आती है, तो इस तरीके से उसमें सुरसुर की आवाज आती है, ज्यादा कुछ उसमें नहीं आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अमन रोय का, ट्रक चलाने का कितना पैसा आपको मिलता है। तो भाई मुझे जो है पैसा कितना मिलता है, देखिए ये आपकी गाड़ी के रूट के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं कि आप गाड़ी कहाँ पे चलाते हो, किस सिटी में चलाते हो, कितनी दूर चलाते हो, कितने किलोमीटर पे चलाते हो, कितना आपका जो भी कंपनी पैसा देती है, कितना कुछ उसका काट पीट के जो भी मालिक को बचता है उसके हिसाब से उसको आपको पैसा दिया जाता है। तो आप बात करें कि मेरी पेमेंट कितनी हो पाती है, तो मुझे जो है मंथली आप 30 या 40 के आप लगा सकते हैं, तो इतना मुझे जो है पेमेंट हो जाता है। तो ये कुछ आपके कुछ क्वेश्चन थे, और माफी चाहता हूँ कि जिन्होंने भी क्वेश्चन किए थे उनके कुछ सवाल नहीं दे पाया क्योंकि टाइम बहुत कम था आज मेरे पास। तो सुबह से एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि हेटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं कितनी भी अच्छी वीडियो अपलोड कर दूँ उनको बस गलत कमेंट करने का ही शौक होता है। करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई गलत कमेंट करे या सही कमेंट करे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी जो भी नॉलेज मैं देना चाहता हूँ वो मैं जरूर दूंगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलिए।